नमस्कार, मैं नेहा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर लगी मुहर। अब घायलों से पैसे नहीं लेंगे अस्पताल। बेगूसराय में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन। 30 करोड़ की राशि से स्टेडियम का होगा निर्माण। भारत और श्रीलंका के बीच 7 अगस्त को खेला जाएगा तीसरा वनडे। अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 36 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्य के विकास के लिए अहम फैसले भी लिए गए। निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना का वित्तीय वर्ष 2024-25 योजना मद से गैर योजना मद में हस्तांतरण की स्वीकृति। लघु खनिजों के अवैध खनन और परिवहन संबंधित आसूचना एवं कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को पुरस्कार देने की योजना। बिहार राज्य के अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 की स्वीकृति। उद्योग ऊर्जा योजना एवं विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल श्रम संसाधन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन पर्यटन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े कुल 36 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अब घायलों से पैसे नहीं लेंगे अस्पताल। अब अस्पताल में भर्ती घायलों से पैसे लेने वाले डॉक्टरों की खैर नहीं है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने सभी सिविल सर्जन, सभी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्य, सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, सभी निजी अस्पताल और चैरिटेबल अस्पताल को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के आंकड़े HMIS पोर्टल पर अंकित करना होगा और घायल व्यक्ति को अस्पताल लाने वाले व्यक्ति की सूची भी ईमेल पर भेजना होगा। साथ ही सभी सरकारी या निजी अस्पतालों को अपने भवन के मुख्य द्वार पर नोटिस बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में जख्मी व्यक्ति के त्वरित इलाज की सूचना भी देनी होगी। साथ ही इसमें जख्मी व्यक्ति को लाने वाले व्यक्ति से इलाज के नाम पर रजिस्ट्रेशन शुल्क और प्रवेश शुल्क नहीं लेने का जिक्र भी रहना चाहिए। गंगा नदी डेंजर लेवल के करीब, हाई अलर्ट जारी। पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना में गंगा नदी डेंजर लेवल के करीब पहुंच गई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार सोन के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट के अनुसार MP के 11 जिलों, छत्तीसगढ़ के 5 और झारखंड के 1 जिले में जमकर हो रही बारिश का असर दक्षिण बिहार की नदियों पर पड़ रहा है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अभियंताओं को तटबंध की निगरानी करने के लिए कहा गया है। बेगूसराय में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन। बिहार के बेगूसराय में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बेगूसराय संयुक्त श्रम भवन ITI मैदान में यह रोजगार कैंप लगाया जाएगा। यहां बैंकिंग के क्षेत्र में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा। इस रोजगार मेला में इंटर पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक के युवक इस रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अनुमानित मानदेय 13,500 होगा। इसके अलावा उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। रोजगार मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले नियोजालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जो कि भारत सरकार के पोर्टल www.ncs.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। 30 करोड़ की राशि से स्टेडियम का होगा निर्माण। पटना के गर्दनीबाद पहुंची बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी घोषणा की है और कहा कि जल्द ही पुराने स्टेडियम के जगह नया स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि CM के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम राजगीर में बन रहा है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को बनाने का निर्माण पटना में भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 30 करोड़ की राशि से इस स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसमें इंडोर आउटडोर सभी खेलों के लिए व्यवस्था की जाएगी।
आम आदमी की तरह जिंदगी जीना पसंद करते हैं एस सिद्धार्थ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आम आदमी की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं। एस सिद्धार्थ कभी सड़कों पर सब्जी खरीदते तो कभी ट्रेन में सफर करते आम लोगों की तरह दिख जाते हैं। अब उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एस सिद्धार्थ सड़कों पर रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं। बता दें, हेलमेट लगाए एस सिद्धार्थ सुबह सुबह स्पोर्ट्स बाइक से रफ्तार का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सैर करते हुए अपर मुख्य सचिव दानापुर पहुंचे हैं। दानापुर में वे सड़क के किनारे लगे लिट्टी चोखे के ठेले पर पहुंचे, जहां आसपास के लोगों के साथ बातचीत की और लिट्टी चोखे का आनंद लिया। बिहार के भागलपुर की बेटी सृष्टि ने कमाल कर दिखाया है और अपने माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जमशेदपुर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा सृष्टि चिरारिया को 1.23 करोड़ रुपए का बम्पर पैकेज मिला है। सृष्टि को अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रूब्रिक ने ये ऑफर दिया है। ये पहली बार है जब NIT जमशेदपुर के किसी छात्रा को 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला है। सृष्टि मूल रूप से बिहार की भागलपुर की रहने वाली हैं और NIT जमशेदपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रही हैं। 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिलने के बाद परिवार वालों में खुशी की लहर है। पटना में एम्स समेत 3 अस्पतालों से शुरू होगी बस सेवा। अब अस्पताल में आने और जाने वाले लोगों की परेशानियां जो है कम हो जाएंगी। आपको बता दें कि पटना में IGIMS के बाद अब एम्स महावीर कैंसर संस्थान और NMCH से अगले माह से बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। इन बसों को विभिन्न रूटों से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर रूट चार्ट तैयार करने का निर्देश जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने मरीज और उनके परिजनों को भागदौड़ से बचाने के लिए बसों का परिचालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बसों के परिचालन कहां से कहां तक होगा, इसका पूरा रूट तैयार करने के बाद सहमति के बाद परिचालन जो है शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस के हत्थे चढ़ा CM ऑफिस को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते शनिवार को अलकायदा आतंकी संगठन के नाम से एक ईमेल आया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब पुलिस ने इस धमकी भरे मेल भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी का नाम मोहम्मद जाहिद बताया जा रहा है, जो कि कोलकाता में रहकर दुकान चलाता है। पुलिस ने जाहिद के पास से मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है, जिससे CMO को धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। पटना में निगमकर्मी समेत 13 लोग डेंगू से पीड़ित। राजधानी पटना में डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो शहर में 13 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। इनमें एक नगर निगम का कर्मचारी है जो पाटलिपुत्र अंचल के आनंदपुरी का निवासी है। वही अन्य 12 मरीजों में सबसे अधिक कंकड़बाग में 6, बांकीपुर में 4, अजीमाबाद में 1 और एक मरीज फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। इसके साथ ही पटना में डेंगू मरीजों की संख्या जो है 83 पहुंच गई है। वही सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश्वर कुमार ने कहा कि डेंगू को लेकर सभी PHC और अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। इंटर में नामांकन के लिए 3rd मेरिट लिस्ट जारी। बिहार राज्य के +2 में नामांकन के लिए 3rd मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप OFSS पोर्टल के जरिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और 8 अगस्त तक नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 8 अगस्त है। बोर्ड ने कहा कि तृतीय सूची में चयनित स्टूडेंट्स अगर आवंटित संस्थानों में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS से हटा दिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि जिनका नाम 3rd मेरिट लिस्ट में नहीं है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तृतीय सूची के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण होने का इंतजार करें। पटना में लाखों का शराब बरामद। बिहार की राजधानी पटना से पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद की है। ये कार्रवाई जनकपुर थाने की पुलिस ने की है, जहां जनकपुर थाना क्षेत्र के चिरैया टान रामनरेश सिंह गली में किराए के मकान से तहखाने में छुपाकर शराब रखी गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, गिरफ्तार सभी बदमाश पहले भी जेल जा चुके हैं। धंधे में शामिल बाकी धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी जारी है। नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफिया गिरफ्तार।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। बता दें कि सीबीआई ने आरोपी सुशांत मोहंती को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने मोहंती से पूछताछ के लिए अगले 5 दिनों तक के लिए रिमांड पर दे दिया है। बता दें अब तक इस मामले में कुल 42 आरोपितों की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है, इनमें से 41 जेल में बंद है। केवल मोहंती की सीबीआई के रिमांड पर है, केवल मोहंती ही सीबीआई के रिमांड पर है। इन 42 में से 15 को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कांग्रेस और राजद करते हैं झूठ की राजनीति। मंगल पांडे। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी के एक दिवसीय विस्तृत कार्य समिति के बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में एक वर्ष के अंदर विभिन्न विभागों में लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो मिथ्या प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 7 अगस्त को खेला जाएगा तीसरा वनडे। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें विराट कोहली अगर 78 रन बना लेते हैं तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे कर लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कारनामा जो है सिर्फ 3 ही क्रिकेटर कर सके हैं, जिसमें भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संकारा और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग का नाम शामिल है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का श्रीलंका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में बल्ला जमकर चलता है। किंग कोहली ने अब तक सिर्फ वनडे में 53 पारियों में 2,632 रन बनाया है। वही मौजूदा वनडे सीरीज में विराट कोहली अब तक खेले गए 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए। 2 मैचों में कोहली ने महज 14 रन बनाए हैं। दूसरे वनडे में विराट कोहली श्रीलंका के स्पिनर जेफरी वंडरसे के जाल में फंसे और सस्ते में पवेलियन लौटे। अब उनसे तीसरे वनडे मैच में शानदार पारी की हर किसी को उम्मीद है। इस मैच में किंग कोहली की नज़र जो है महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, करण राज, अनवर करीम खान, राम बाबूदास, अजित कुमार, राजेश कुमार पांडे, एजाज आलम, सपना कुमारी, अशोक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है पूर्व एसीएस के पाठक और वर्तमान एस सिद्धार्थ, दोनों में किनका काम जो है बेहतर दिख रहा है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।